दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम आपको UPSI का जो कि हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था, सेकंड पार्ट अभी तक हमने अपलोड नहीं किया था। तो आज हम जो जनरल नॉलेज का UPSI 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। तो देखिए आज हम आपको सेकंड पार्ट में क्या बताने वाले हैं। देखिए जो है आज हम आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि 3 पार्ट में अपलोड करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लंबे होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, एक पार्ट में अपलोड करना बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम 3 पार्ट में अपलोड करेंगे। आप लोग तीनों पार्ट जरूर देखें क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है, तो लंदन में जो वेम्बले मैदान है वो टेनिस से संबंधित है। वो किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। और जो 21 नंबर का क्वेश्चन है वह सऊदी अरब किस देश में मुद्दा है? तो सऊदी अरब जो है वो रियाल सऊदी अरब की मुद्दा है। सॉरी हमने उल्टा बोल दिया, तो आप लोग देख लिया सऊदी अरब जो है यहाँ की मुद्रा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है? तो देखिए जो सेल फोन फर्म नहीं है वो उसमें देख लेते हैं, जबकि जो आइडिया है हमारी वो भी हमारी नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं। और रिलायंस है ये भी सेल फोन फर्म है, HCL है ये हमें ये सही होगा हमें लग रहा है, और ये देखिए जो एयरसेल है ये भी हमें नहीं लग रहा है। और आगे आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए ये जो है 22 नंबर का क्वेश्चन है, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, ये क्वेश्चन मात्र होगा। और आगे देखते हैं हम चलिए, देखिए 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक हो जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में शर्करा से अधिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं। और देखिए इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित कैसे कौन सा राज्य नहीं है? तो उस समय जो पूछा गया था तेलंगाना हमारा राज्य नहीं है, तो हमारे इसमें कैसे हो जाएगा? तेलंगाना। तो उसमें चूंकि तेलंगाना था नहीं इसलिए तेलंगाना से हो जाएगा। देखिए प्रतिधन होने का कारण क्या है? तो प्रतिधन होने का कारण देखिए अवशोषण भी नहीं होगा, और हमें अपरिवर्तन भी नहीं लग रहा है, और विवर्तन तो हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, हमें जो लग रहा है वो है परावर्तन। तो आप लोग देख लीजिएगा परावर्तन ही हो सकता है। और के और जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? तो भारत की एंटी टैंक मिसाइल जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, तो हम देख नहीं पाए टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमें तो अगले में हम जरूर बता देंगे आपको, आप लोग भी देख लीजिए थोड़ा बहुत, आप भी मेहनत करिए, ना जब हम सब मेहनत हम ही करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, मेहनत करिए आप लोग भी। और देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से गेहूँ की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो गेहूँ की खेती के लिए जो है दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। और सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो जो हमारा रामायण है वो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य होता है। और देखिए रंस एंड रंस ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो सुनील गावस्कर हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। और देखिए रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? तो रोडेशिया देश का जो नया नाम है वो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे देश का। और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो है इंटरनेट सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? तो इंटरनेट सेवा के लिए जो है TCP और IP आवश्यक है, जो कि TCP/IP हमारा कंप्यूटर एड्रेस होता है जहाँ से अपना फॉर्म फिल करते हैं उसका एड्रेस हो जाता है। और 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लिया, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन कितने बैंकों का हुआ था? तो जो है 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। और देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण जो होता है वो होता है HIV यानी न्यूनता विषाणु। और गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ पर स्थित है? तो मैनचेस्टर, जो गार्डन ऑफ इंग्लैंड है वो मैनचेस्टर में स्थित है। तो जो हमारे मूल अधिकार नहीं है, तो पहले जो है संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार था, बट अब नहीं है, अब उसे हटा दिया गया है। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों पर। तो आइए दोस्तों जो 37 नंबर का क्वेश्चन है ये देखते हैं, जो हमारा है बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण ऐश है, चूँकि हमने कुछ में पहले से निशान लगा रखे हैं कुछ में नहीं मिले हैं, तो वो भी हम आपको बता देंगे। और जब हमें पक्का कंफर्म नहीं है वो हम तो आपको नहीं बताएंगे, कतई नहीं बताएंगे, क्योंकि जो हमें नहीं आता वो आप खुद पता कर लीजिएगा। तो देखिए जो 37 नंबर का क्वेश्चन है बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है वो अल्मोनियम का अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? अल्मोनियम का। और मोनालिसा किसकी प्रसिद्ध चित्रकार था? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो जो लियोनार्डो दा विंची थे मोनालिसा के चित्रकार थे। और जो देखें लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो जो विटामिन ए है और लाल रक्त निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। और जो निम्नलिखित में देखिए कठोर जल में उपस्थित होता है, तो कठोर जल में जो होता है वो क्लोरीन होती है, कठोर जल में क्लोरीन होती है, देख लीजिएगा आप लोग, जो कि हमने निशान नहीं लगाया इसका मतलब कन्फर्म नहीं है, तो देख लीजिएगा।
संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थे, तो जो गोवा है वो पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है कि हम उनके आवासों को नष्ट न करें, जंगल बचाएं, जंगल लगाएं, इससे वन्य जीव संरक्षण हमारा हो सकता है। तो हमारे दो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा होता है? तो जो विद्युत चालक सर्वोत्तम होता है वो धातु में एल्यूमिनियम में पाया जाता है, यानी एल्यूमिनियम होता है सबसे अधिक विद्युत धातु का चालक होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश किसने दिए थे? तो सबको मालूम है, जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया था। तो जब जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जनरल डायर। तो दोस्तों देखिए चलिए हम अपने आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो रियल में अच्छा लगा है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं हाँ सब्सक्राइब करो तो आपने कर लिया, अगर आपको रियल में अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि यूपीपी की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत दिनों बाद आई है, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। और हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप उन्हें कहीं ना कहीं नोट करते चलिए, ताकि आपका एक बार लास्ट में जो है एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाए, इसे पढ़कर आप पेपर देने जरूर जाइएगा। और चलिए हम आगे देखते हैं और इसे हम बता दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम समय समय पर वीडियो अपलोड करते हैं, जनरल नॉलेज की हमने इतनी टिप्स अपलोड करी हैं जिसे आप देखकर ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जो हमने टिप्स बताई हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन तो है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? तो वो राष्ट्रपति के ऊपर होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जो निम्न ताप पर जीवों का परीक्षण क्या कहलाता है? ये देख लीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा हमें कन्फ्यूजन है, एक क्रायो बायोलॉजी आप लोग देख लीजिएगा, ये हो सकता है जिसमें हमें कन्फ्यूजन है, इसलिए हम आपको कन्फर्म नहीं कर रहे हैं। देख लीजिएगा आप लोग, हमें 90% तो यही लग रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हैरी पॉटर जो है, हैरी पॉटर एक प्रसिद्ध चरित्र, चूंकि इस पर एक मूवी भी बनी थी, इसलिए आप लोग को याद रखिएगा। भारत में आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में आम चुनाव जो है 1951 में हुए थे। हमारे राष्ट्रीय का प्रथम मास क्या होता है? तो जब चैत है, हमारे राष्ट्रीय का प्रथम मास होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, जो वायुसेना का पद एयर मार्शल के समतुल्य किस सेना में पद है? तो ये हमें कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। देखिए डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ? तो डियागो गार्सिया द्वीप जो है वो हिंद महासागर में है। आप लोग देख लीजिएगा डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ है, हिंद महा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर सही होगा, जब सही होगा। तो दोस्तों ये हमारा था इसका दूसरा पार्ट, हम तीसरा पार्ट इसके जल्द ही अपलोड कर देंगे, कल लगभग कल हम अपलोड कर देंगे तीसरा पार्ट। तो आप लोग तीनों पार्ट जरूर देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो 80 क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 35 क्वेश्चन लगभग बाकी हैं, तो वो क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ें और कहीं ना कहीं नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चनों से आने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो कैसे लगे आज के हमारे क्वेश्चन? अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा लिंक फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दो आपके दोस्त इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जो नीचे आपको फोन में रेड बटन दिख रहा है, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब रखा है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।